जैसे आईटी में आपने बोल दिया कि स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है थोड़ा एक्शन, बैंक्स एज अ बास्केट परफॉर्म करेगा। अभी तो देखो जी, अभी तो खाली प्राइवेट बैंक्स के रिजल्ट आए, सरकारी के आने दो, के जाएंगे आने दो, आने दो। अभी तो देखो कैनरा, एसबीआई, ये सब बढ़िया आएंगे रिजल्ट, बढ़िया आएंगे। हाँ हाँ, बैंक्स में मंदी करना नहीं है, बैंक्स में तो यही ध्यान रखना है नीचे कब मिले तब लेना है, मौका ढूंढना है, मौका देखना है। रेट सेंसिटिव बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट, शॉर्ट नहीं, ये बाय ऑन डिप्स है। शॉर्ट करने के लिए आपके पास बहुत है ना, फार्मा है, आईटी है, टू सम एक्सटेंट एफएमसीजी है, जो आप ऊपर में मौका मिले तो वहां एफएमसीजी फिर भी न्यूट्रल कर रहे हैं, लेकिन आईटी, फार्मा, मेटल्स, तीन आपके पास है, कितने चाहिए आपको? करेक्ट है ना, तो जहां सेल ऑन राइज वाले हैं वो सेक्टर्स भी आपके पास है, और बायो डिप्स वाले हैं वो भी आपके पास है। मजे की बात देखिए, तीनों सेक्टर जो बायो डिप्स है, बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट, रेट सेंसिटिव, तीनों रेट सेंसिटिव और तीनों इंडिया से रिलेटेड। यस, जो शॉर्ट है फार्मा, आईटी, मेटल, तीनों ग्लोबल, तीनों ग्लोबल है, लोकल वर्सेस ग्लोबल के सामने आपके, बस क्लियर कट है। जब भी बेचने का मन करे आपको पता है क्या बेचना है, तो पैसा जल्दी और ज्यादा और वहीं बनेगा। यस सर, जब भी खरीदना है आपको पता है क्या खरीदना, पैसा जल्दी और ज्यादा वहीं बनेगा। करेक्ट, सिंपल। सो आपने एक तो ये आप स्टॉक स्पेसिफिक वो अप्रोच से चले, ये स्टॉक है इसी में ट्रेड का, दूसरा आप ब्रॉडर मार्केट के अप्रोच से ऊपर से नीचे आए, सेक्टर पहले पकड़ लें, फिर उस सेक्टर में कमजोर खिलाड़ी कौन है, राइट, या सही लेवल पे कौन है जिसको खरीदा या बेचा जा सकता है। काम आसान है, करेक्ट, प्रोसेस ड्रिवन हो जाएगी, प्रोसेस ड्रिवन हो जाए, प्रोसेस आपने पकड़ ली तो काम आसान हो जाता है। और प्रोसेस पकड़ने में अगर आप इंडेक्स पकड़ के बैठे, लॉन्ग साइड बैंक निफ्टी, शॉर्ट साइड निफ्टी, गॉट इट, एक आध दिन बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस होती है निफ्टी से, दूसरे दिन उससे डबल निकल जाता है, दिखाता है अपनी लीडरशिप, दिखाता है 100% है वो रहेगी। और आप देखिए बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ गए ना, हमारे भी 7-8 महीने, हमारे की बात बोलो 7 महीने की निचले स्तर पर आ गए, बिल्कुल, तो हमारे बॉन्ड यील्ड्स घट रहे हैं। तो ये तो अमेरिका के, हिंदुस्तान वाले दिखाओ भाई अपने काम के, तो अपने 2032 वाले हैं, अब 2033 वाला भी लाना शुरू कर देना चाहिए, 2023 में आ गए, 2033 वाला तो वो 7% के आसपास पहुंच रहा है। जी सर, करेक्ट। सो आई थिंक हमारे ऑलरेडी ब्याज दरों में कटौती को बॉन्ड मार्केट पहले से फैक्टर कर चुका है, लेना शुरू कर दिया है, सो उसका फायदा भी मिलेगा आपको। गॉट इट। सो आई थिंक ये सब ठीक, क्योंकि होता है कि आप जब ब्याज दरें घटेंगी तो डिपॉजिट तो बढ़ाने से रहे रेट्स, और जो लोन पे बढ़ा दी वो तो बढ़ा ही दी, वो तो बढ़ी हुई, वो तो अभी बढ़ी हुई है, ठीक है, जब घटेगी तब घटेगी। जब घटेंगी उसके बाद आरबीआई घटाएगा, उसके बाद एडजस्ट करेंगे, तो बैंक से तो अच्छा वक्त चल रहा है, वो निम्स एक्सपेंशन दिख ही रहा है, पांचों उंगलियां घी में इस समय तो है। बाय द वे बैंक्स की बात, 5% का निम, आईसीसी बैंक 4.9% जबरदस्त, सोच नहीं सकते कि 5% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कमा सकता है बैंक, 3% हुआ करते थे, कमाल है, देख लीजिए। बैंक्स की बात नहीं थी, हालांकि अभी तो बाजार इसको इग्नोर कर रहा है, बट वो कल फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के नंबर्स आए थे यूएस में, नंबर्स अच्छे थे, ट्रेडिंग में स्टॉक 12% ऊपर था, बट ट्रेडिंग के बाद जो पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग होती है उसमें 20% नीचे था उसमें, और 20% फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, अरे 20% मतलब अपने यहाँ वाला नहीं, अमेरिका का, टेंशन ना ले आप, हमारे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वही था कि उनके जो डिपॉजिट के आंकड़े आए थे, लोगों को लगा कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में बाकी सब बड़े बैंक मिलकर पैसा डाल रहे हैं तो डूबना नहीं चाहिए, उठना नहीं चाहिए, और उस हिसाब से बैंक से डिपॉजिट ज्यादा लोग निकालेंगे नहीं, लेकिन $100 बिलियन की डिपॉजिट उनकी कम हो गई, इस वजह से थोड़ा सा मूड खराब हुआ है, लेकिन ठीक है ना, मतलब वो कहते हैं ना दीप, हम की घी कहीं भी गिरे, गिरना थाली में चाहिए, थाली से बाहर गिरा तो नुकसान है ना, आप प्लेट के अंदर कहीं भी घी गिरा है तो आप लेके खा लेंगे ना, सो अगर एक बैंक से डिपॉजिट निकलकर दूसरे में चली गई तो कौन सा क्या फर्क पड़ता है, और यही वजह कि डाउ फ्यूचर कोई खास रिएक्शन दे नहीं रहे थे, सो आई थिंक ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन है वो। अब क्या है, अब फर्स्ट रिपब्लिक से अमेरिका के मार्केट नहीं गिर सकते, एक खबर पे कितनी बार गिराओगे भाई, है ना, तो ठीक है, डिपॉजिट कम हुई तो वो जाने, उनका काम जाने, हमें क्या लेना देना, गॉट इट, ठीक है, चलिए।